बना रही हूँ बटरनट स्क्वॉश सूप, जिसके लिए मैंने 2 बटरनट लिए हैं। बटरनट को वॉश करने और इसे बीच में से कट लगाना है, और इसके अलावा 1 लीक लेना है और 3-4 गाजर लेने हैं। इसके अलावा 1 चिक पीस लिया है और सॉल्ट, कश्मीरी चिली पाउडर, पेपर रेड चिली फ्लेक्स और 4 क्यूब मैंने लिए हैं मैगी क्यूब। इसे उबाल भी मैंने बटर नट पे ऑलिव ऑयल लगाया है। उसके बाद ऑलिव ऑयल से पूरा इसको ग्रीस करके थोड़ा सा नमक ऊपर से छिड़केंगे और अब ओवन में रख देंगे 45 से 1 आवर तक। अभी मैंने इसमें ऑलिव ऑयल लिया है। ऑलिव ऑयल गर्म करने के बाद मैंने इसमें ली गाजर और 3-4 लहसुन लिए हैं। अब इनको सॉफ्ट करना है, इनको इतना पकाना है कि ये सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद हम इसमें स्पाइस ऐड करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने इनको सॉफ्ट किया है, इतना पकाना है कि ये सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद इसमें 1 तेज़पत्ता डालेंगे और जो स्पाइस मैंने आपको बताए थे वो स्पाइस इसमें ऐड कर लेंगे। सॉल्ट, रेड कश्मीरी चिली पाउडर और पेपर फ्लेक्स अब इसमें ऐड करेंगे और उसके बाद इसमें थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर भी ऐड करेंगे। ज़ीरा पाउडर के बाद थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर ऐड करना है और इसे मिक्स करना है। और वहाँ पे मैंने क्यूब में पानी डाला है और उसका मैं सूप के लिए पानी बना रही हूँ। अब इसे मिक्स करेंगे। अभी मैंने बटरनट स्क्वॉश को ओवन से निकाल के उसके पूरे छिलके हटा दिए हैं ऊपर ऊपर से, क्योंकि ओवन में ये पूरा मैश होने के लिए मैंने रख दिया था ताकि ये बहुत नरम हो। नरम होने के बाद अभी मैंने बटरनट निकाल दिया है, इसे मैश करेंगे और इसके बाद लीक और गाजर वाला जो सॉस है उसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसे ग्राइंडर से ग्राइंड करेंगे, एंड ब्लेंडर है, एंड ब्लेंडर से इसे ब्लेंड करके फिर पानी जो आपको जितना चाहिए होगा उतना पानी आप इसमें ऐड कर सकते हो। अभी मैंने इसमें ये ऐड अभी मैं इसमें मिक्स करूंगी और इसके बाद एंड ब्लेंडर से इसको पूरा ब्लेंड करूंगी। आप देख रहे हैं मैंने चेक पीस को ऑयल में डाला है। ऑयल में डालने के बाद इसे हम इतना ड्राई रोस्ट करेंगे। ड्राई रोस्ट करने के बाद हम इसमें स्पाइस ऐड करेंगे। स्पाइस में मैंने चिली फ्लेक्स लिया है, ज़ीरा पाउडर लिया है और कश्मीरी लाल मिर्च लिया है। नमक जो है आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हो, और स्पाइस में भी कुछ लोगों को ज़्यादा स्पाइस खाना पसंद है और कुछ लोगों को बहुत कम, वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हो। अभी देखिए मैंने जो बटरनट को ग्राइंड किया था, बटरनट लीक और गाजर को उसका प्यूरी बनाया था, सूप बनाया था। उसके बाद मैंने चिक पीस को जो ड्राई रोस्ट किया है अब उसमें हम ऐड करेंगे सूप के अंदर। और ये सूप बहुत ज़्यादा हेल्थी है, अगर आप डाइट प्लान पे हैं तो ये सूप आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। अब इसे मैं गार्निश कर रही हूँ आपके सामने। ये देखें हमारा बटरनट स्क्वॉश जो है वो रेडी है। आप इसे मिक्स करके इसे खा सकते हैं। थैंक यू।